सभी को नमस्कार। एमएस न्यूज पे मैं शाश्वत मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरसल जमाल जी। आइए इनसे हम थोड़ी बहुत वार्तालाप करेंगे और वार्तालाप के दौरान हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि इनका जो दौरा है वो किस तरीके का है और दौरे के हिसाब से क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है सर इस बार? माहौल तो आप नजर उठाइए और पीछे देखिए जी कि गाँव के लोग किस तरह से कतारबंद होके हमारे साथ चल रहे हैं जी। उसमें सारी बिरादरी के लोग हैं, अपर कास्ट हैं, लोअर कास्ट हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड हैं, जितने भी कमजोर तबके के लोग हैं सभी लोग हमारे साथ चल रहे हैं। तो लोगों का और बाकी हमारे कमेंट के द्वारा ये कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने अब पार्टी बदल ली है। लोग जानना भी चाहते हैं कि आखिर चुनाव चिन्ह आपका बदल चुका है तो हम लोग किस पे मुहर मारे, किस पे ओढ़ दें, पुराने जो साइकिल का सवार जो हमारे हाथी पे सवार है अफसर जमाल को? देखिए, हमको जो सिंबल दिया था पार्टी ने, फिर हमारा सिंबल काट के न जाने क्यों फिर एक डमी कैंडिडेट को दिया। जी जी जी, तो हम तो हाथी पे हैं इस वक्त और हमारा चुनाव निशान हाथी है जी जी। और मेरा सारे लोगों से अनुरोध है कि हाथी निशान के जो मुहर उसी पे मुहर लगाकर कामयाब बनाएं। तो आपसे ज्यादा सवाल ना करते हुए लास्ट प्रश्न ये मेरा रहेगा सर कि जो आपका ये पार्टी बदल दिया गया है, चुनाव चिन्ह बदल दिया गया है, इस बदलने का कारण क्या था? आप इतने सालों से पार्टी से जुड़े हुए थे, कारण में मत जाइए। इतना समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी के जितने नेता और कार्यकर्ता है वो भी हमारे साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी के भी सारे नेता कार्यकर्ता हमारे साथ हैं और ये दोनों दल की जो फिलॉसफी है, इन दोनों दल की फिलॉसफी एक है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ बड़ा बदलाव देखने को आपको मिले, जैसा कि आप सभी ने सुना और अरसद जमाल जी ने अपनी बातों को किस तरीके से और हम इनसे प्रश्न ज्यादा ना करते हुए दो तीन प्रश्न हमने उठाए और इनका कहना ये है कि सभी पार्टियों के लोग हमारे साथ जुड़े। कहाँ से हैं? रस्तीपुर से। अच्छा, रस्तीपुर से इधर आ जाइए। ये छाता ले लेके कहाँ चल रहे हैं आप? और लोगों का कहना क्या है, जनता के बीच उनकी छवि कैसी है और जनता इस बार क्या माहौल बनाई है, जनता का मूड क्या है? हाँ जी सर, क्या लग रहा है जनता का मूड क्या है इस बार अरसद जमाल को? अरसद जमाल को आखिर क्यों आपको लग रहा है कि अरसद जमाल जी को ही वोट देना चाहिए? अच्छे हैं, अच्छे हम लोग के अरसद जमाल हम लोग का चेयरमैन बने जी। अरसद जमाल बने तो आखिर पार्टी इन्होंने क्यों बदली, क्या आपको पता? अब पता नहीं है भैया। अच्छा, छोटे होने की वजह से आप वोट देंगे जी? बड़ी बिरादरी कोई कदर नहीं है ये कहना है, एकदम वोट देना है हम लोगों को, अरसद जमाल को देना है। हाथी पर मारना है या निशान मारना है, हाथी पर मारना बड़ी जात कोई कदर नहीं करती। तीन बार तो जीते हुए थे अरसद जमाल जी, क्या ऐसा कोई काम हुआ है? सही कोई काम था नहीं, अरसद जमाल जो कर दिए हैं शहर में सही किए। क्या काम हुआ है? अरे रोड फोड़ और क्या करेंगे, रोड तो नहीं बना अभी, ये लिखा है रोड बनाए ये तो नगर पालिका में।